उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला तहसील के रामनगर ब्लॉक से एक बड़ा घोटाला सामने आया। 10 गांव की लगभग 46 विवाहित महिलाएं अपने पतियों को मरा हुआ दिखाकर विधवा पेंशन ले रही हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों द्वारा ही इसकी शिकायत की गई। कोई भी एक्शन लिया नहीं गया, 60 पिल्सने आ रही, 26 के मेरे पास एविडेंस है जिसमें मेरे पास सबूत है पूर्ण रूप से, और सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार में देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसमें आदमी जीवित है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं, कौन संशोधन कर रहा है इसका, कौन सत्यापन कर रहा है? विधवा पेंशन लोग ले रहे हैं और व्यक्ति जीवित बैठे हैं। गाँव में भ्रष्टाचार हो रहा है, विधवा पेंशन चल रही है, आदमी जिंदा है और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में लगभग 46 महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। हालांकि जब इस विषय में आला अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि टीम गठित हुई है, टीम जांच करेगी, जांच की रिपोर्ट एक हफ्ते में आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। अपात्र पाए जाने वालों से पेंशन की रिकवरी भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली के ब्लॉक रामनगर में कुछ महिलाएं अपने पतियों को मृतक दिखाकर वृद्धा पेंशन ले रही थी। मामले का जब खुलासा हुआ तो उन पर कार्रवाई की बात की जा रही। मेरे साथ बातचीत करने के डीपीओ हूं, उनसे जानने की कोशिश। मैम, ये क्या मामला है? कुछ महिलाएं जो थी अपने पतियों के लिए मृतक दिखाकर पेंशन ले रही थी। हाँ, ये आंवला रामनगर का मामला है और यहाँ पर पेपर के जरिए सामने आया कि कुछ महिलाएं सधवा होते हुए भी पेंशन ले रही हैं, पेंशन पा रही हैं, तो उसके लिए डीएम साहब की तरफ से एसडीएम आंवला के लिए लेटर बना दिया गया है। सर ने एक टीम गठित की है, उस वो टीम जो है जांच करेगी और जांच करने के बाद एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट हमको भेजेगी। उसके बाद डीएम साहब उस पर कार्रवाई करेंगे और बाकी उनकी पेंशन की रिकवरी होगी। और सर की तरफ से एक लेटर बना दिया गया है सारे खंड विकास अधिकारियों को और एसडीएम्स को, जिससे कि एक बार पुनः सघन सत्यापन हो जाए, जिससे जो हमारी अगली किश्त आएगी सितंबर में वो पात्रों को ही मिल सके, अपात्र लोग उसका लाभ ना ले सके। कुछ अभी पता चल पाया है कितनी महिलाएं थीं ये? लगभग 46 महिलाओं की बात है जो अभी अपात्र पाई गई हैं, उसी की जांच होनी है, जिसके लिए डीएम साहब ने कमेटी गठित कर दी है और जल्दी एक हफ्ते में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी 46 महिला अपात्र पाई गई हैं, सस्ता इनके सामने आई जी। अभी अब वो जांच करके बताएंगे, एसडीएम साहब अपनी टीम के द्वारा जांच करके ये सूचित करेंगे कि ये 46 ही अपात्र हैं। सवाल ये है कि विधवा पेंशन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? संबंधित अधिकारियों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इतना बड़ा घोटाला किसकी मिली भगत से हुआ? विधवा पेंशन के लिए पात्र लोगों को तो विधवा पेंशन पाने के लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन अपात्र लोग आखिर विधवा पेंशन योजना का लाभ कैसे उठा रहे थे?